थैमीज़ टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आपको थैमीज़ हाउस में, मड हाउस है ये, और आप कभी भी इधर बहादुरगढ़ से रोहतक जा रहे हो ना, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, खाना वगैरह बहुत टेस्टी है। ये देखिए एंट्रेंस बहुत अच्छी है, रात में भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं आपको दिन में ताकि भीड़ ना हो अच्छे से दिखा पाऊँ, तो फोटोग्राफी के लिए भी बहुत सारी जगह हैं। देखिए ये जैसे पहले घास काटते थे वो है, और फिर ये जो कुम्हार लोग बनाते हैं ये वेल है। इवनिंग में ये सारा डेकोरेट होता है, दिन का टाइम है, बट मैंने आपको दिखाना चाहा कि अगर आप कभी इस रास्ते से निकल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। देख रहे हैं ना, ये चारपाई लगी हुई है, ये देखिए ये सामने कितना सुंदर बना है, ये चूल्हे पे जैसे रोटी बनाते हैं बैठ के, चटनी कूटने वाला है ना, तो बहुत ही है सुंदर। और ये देखिए सामने आपकी चाय का कॉर्नर है, ये सामने ग्लासेस हैं, बेहद ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। जो पुरानी चीज़ें हम भूल गए हैं ना, ये भी आप फोटो कर सकते हैं, जो पुरानी चीज़ें हमारी हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं उसके लिए सब बहुत अच्छा है। ये फैमिली रेस्टोरेंट है, ये देखिए ये है एंट्रेंस, और राजस्थानी स्टाइल भी ना इन्होंने किया हुआ है, देखिए बहुत ही सुंदर। ये पगड़ियाँ रखी हैं पहनने के लिए, ये गुड़ सौंफ वगैरह सब है, और ये जो नीचे बैठ के खाना चाहें ना उनके लिए अरेंजमेंट है। वेरी ब्यूटीफुल, ये है यहाँ पे बुफे लगा हुआ है। योर गुड नेम प्लीज? चंचल। चंचल, तो आप मुझे दिखाएंगे क्या क्या है? बिल्कुल, आप थैंक यू। हाँ जी, जो हमारा बुफे स्टार्टिंग होता है तो सूप से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग हमारा वेज मंचो सूप, डिपेंड ऑन डे पे करते हैं। ऑलराइट, जिससे आप एवरी डे मेन्यू चेंज करते रहते हैं। गुड, तो डे टू डे हमारा मेन्यू चेंज होता रहता है। तो ये आज क्या वेज मंचो? वेज मंचो सूप स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने। वाओ, और साथ में आपका वेज व्हाइट सॉस पास्ता भी है। ओके, और मसाला मैक्सी आपकी राइस रहेगा, राइट में, चिली मशरूम फ्राइड राइस रहेगा। ओके, और पनीर फ्राइड राइस रहेगा दोनों। वाओ, ग्रेट, प्लेन स्टीम राइस, स्टीम राइस। ये इनकी कटलरी है और ये बाउल है, बहुत ही सुंदर है। रायता सैलेड, रायता एक नमकीन है, एक पाइनएप्पल है, डिफरेंट सैलेड्स हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। दाल तड़का, दाल तड़का स्टाइल में बिल्कुल, राइट, शाही पनीर। ओके गुड, ये आलू की सब्जी और छोले की सब्जी है, दो सब्जी हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। ओके ओके, ये फिर नॉन वेज है आपका? ये आपका नॉन वेज है, चिकन, तो जिनको नॉन वेज लेना है उनके लिए नॉन वेज है, बाकी डेजर्ट रहेगा, डेजर्ट अभी आना बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेटेड है ये। हाँ जी, इवनिंग में क्या बता रहे थे आप? इवनिंग टाइम में हम लोग का राजस्थानी फोक डांस होता है। ओके, जो 5 से लेकर 9:30 बजे तक हम लोग करते हैं। ओके ओके, और शाम को ही बहुत सारी एक्टिविटीज आउटसाइड में रहती हैं, जैसे राजस्थानी फूड लाइव रहता है, लाइव कॉन्सर्ट्स रहते हैं, ये सब इंजॉय कर सकते हैं। गुड गुड, अगर किसी को जैसे डे पिकनिक प्लान भी करना हो, मॉर्निंग आना हो, दिन में काफी बोरियत हो रहे हैं, हाँ जी, और उनको अपना डे पूरा एक्सपेंड करना है यहाँ पे, तो एक बेस्ट ऑप्शन हम लोग के पास है, हम डे पिकनिक प्लान भी करते हैं। वेरी गुड, तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? जरूर, हमारे वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं। आपका वेबसाइट बोल दीजिए। हाँ, thamis.info.thamis.com पे जा सकते हैं, या थैमिस मड हाउस सांपला करके जा सकते हैं, थैमिस मड हाउस करके, दो तीन वेबसाइट हमारे हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड
तो हम लोग का गेस्ट चेक इन प्रोसेस हम यहीं से कराते हैं। राइट, तो चेक इन चेकआउट के जितने भी फॉर्मेलिटीज होते हैं हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मुझे पता चला इनका रिजॉर्ट भी है जो हमें बाहर से नहीं पता चलता है, तो ही इज काइंड इनफ टू शो अस योर रिजॉर्ट। थैंक यू। स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। तो आप जब भी इस रोड से गुजर रहे हैं बहादुरगढ़ से रोहतक, प्लीज हैव अ स्टे हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल। तो ये है स्टार्टिंग। तो हम लोग के पास वेलनेस मेडिकल थेरेपी ऑप्शन है। तो जैसा कि बहुत लोग चाहते हैं कि हम रुकने के साथ साथ अपने हेल्थ के लिए भी ध्यान रखें, तो वो सब इनके पास अवेलेबल है। और ये देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, वेल मेंटेन्ड, वेरी नाइस। और जो हम लोग का ये हाउस है, हाँ जी, ये जो थीम कल्चरल मड हाउस पे बनाया है, मड हाउस पे है, पूरा मड हाउस पे। गुड गुड गुड। और जो हम लोगों ने थीम दिया हुआ है, हाँ जी, एथनिक कल्चर पे दिया हुआ है, एथनिक कल्चर, वेरी गुड। और आज के टाइम में इसकी जरूरत है ना, बिल्कुल बिल्कुल, लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, वेरी नाइस। ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे रिलैक्स होके यहाँ पे इवनिंग टाइम में लाइव म्यूजिक हमारा यहीं पर रहता है। ओके, तो काफी सारी एक्टिविटीज इवनिंग में होती, होती है, है। टेबल डेकोरेशन करते हैं कई लोग, किसी के एनिवर्सरी, मतलब कोई पार्टी करनी है तो ऑफ कोर्स स्विमिंग पूल के पास करना चाहते हैं तो वो भी है। गुड गुड गुड। बड़ा भाई नीरज उसको ऑन करना। और इतना ही नहीं, एक बहुत अच्छी चीज हम लोग के पास है, हाँ जी, आइए हम आपको शो कराते हैं। कई लोग ओ वाओ रेन शावर करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जो आप कभी कभी वाटर पार्क जाते हैं और वहाँ जो अवेलेबल होता है ना रेन शावर, वो आपका यहाँ भी अवेलेबल है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए, फैमिली रेस्टोरेंट है, और एंजॉय कीजिए, ब्यूटीफुल प्लेस। ये सामने रूम्स हैं, तो आप जब भी आएँ ज़रूर चेक कीजिए, बहुत सुंदर है। कभी कभी हमें पता नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ये व्लॉग डाला है। खाना भी बहुत टेस्टी है,